हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंट टीवी के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट टीवी का। बताया गया था कि 21 अगस्त तक चालू हो सकता है और आज ही है 21 अगस्त और अभी तक कोई भी ट्वीट या कोई इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट टीवी की तरफ से नहीं आया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ इंडिपेंडेंट टीवी से रिलेटेड कुछ बातें। जैसा कि दोस्तों बता दूं, इंडिपेंडेंट टीवी का जो अपडेट है अभी तक उसका सिग्नल अप नहीं हुआ है। पिछले ट्वीट में बताया गया था कि इंडिपेंडेंट टीवी स्टार्ट नहीं होने का जो रीजन है एक्चुअल, उसमें ये बताया गया था कि हेवी रेन यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से इंडिपेंडेंट टीवी की जो अपलिंकिंग सेटेलाइट है वो काम नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों मुंबई में बारिश भी बंद हो चुकी है, इस बात को बीते हुए 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन तक इनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाया इंडिपेंडेंट टीवी मुंबई हेडन से लेकर बैंगलोर अपलिंकिंग तक। क्योंकि अगर उनका कनेक्टिविटी हो गया रहता तो जरूर कुछ ना कुछ ट्वीट डालते। साथ ही दोस्तों बता दो कि इंडिपेंडेंट टीवी के ना ही कस्टमर केयर काम कर रहा है, ना ही कोई उनके तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और दोस्तों एक और बात आई थी बीच में कि 19 अगस्त को इनको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद बैंक गारंटी मिल जाएगी, उसके बाद इनका पेमेंट का इश्यूज क्लियर हो जाएगा, फिर सर्विसेज स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है और टीडीसेट कोर्ट में जो केस चल रही है वो 12 सितंबर का सुनवाई होने वाला है और आज 21 अगस्त है। मुझे लगता है जहां तक हमारी एक्सपीरियंस कहती है इंडिपेंडेंट टीवी को देखते हुए कि 12 अगस्त तक शायद ना चालू हो, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट टीवी जब तक टीडीसेट का केस क्लियर नहीं होता है तब तक चालू होने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। और साथ ही दोस्तों बता दो कि इंडिपेंडेंट टीवी की जो सर्विसेज थे हमेशा बोलते आ रहा है इंडिपेंडेंट टीवी की नेक्स्ट वीक अगले 7 डेज अगले 6 डेज ऐसा टाइम देते रहता है, एक्सटेंड करते रहता है। तो आप लोगों से दोस्तों यही उम्मीद मैं कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीवी पे कोई भी भरोसा नहीं है। उसने कभी भी उसके 10 बार लोगों का दिल ब्रेक कराया होगा क्योंकि उसने हमेशा हर 6-7 दिन पे एक ट्वीट करता है और 7-8 दिन को एक्सटेंड कर देता है ड्यू टू सम रीजन, कुछ ना कुछ बहाने देकर। तो आज 21 अगस्त है, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगले 5-6 दिन के अंदर चालू होता है या 12 सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।